हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी रसोई में। तो आज मैं बना रही हूँ व्रत के लिए, उपवास के लिए जो हम खाते हैं कुछ बना के। तो मैं आज बना रही हूँ आलू की रेसिपी। आलू की रेसिपी आप देखना और उपवास के लिए बना के खाना। कभी जो कुछ अलग अलग मन करता है, ग्यारस में आगे नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में तो फिर मैंने लिए है 3 आलू लिए हैं, यहाँ पे 3 मिर्ची ली है हरी, 1 टमाटर लिया है, 1 कड़ी पत्ते हैं, कड़ी पत्ते मैं इतने ही डालूँगी, और ये है छिलदाने 1 है नींबू। और आलू को पहले उबाल देना है, उबाल के ये छिलके छील लेना है, ठीक है। तो मैं अभी पहले आलू उबाल देती हूँ, और ये मैंने मिर्ची कट कर दी है और टमाटर कट कर दिए, और यहाँ पे रख दिए मैंने गैस पे कढ़ाई। तो इसमें मैं डालूंगी घी, घी को गर्म होने देते हैं। ये मैंने इतना घी डाल दिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद में हम थोड़ा जीरा राई का तड़का लगाएंगे, घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो ये घी गरम हो चुका है, मैं अभी इसमें जीरा राई डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सिंग दाने, सिंग दाने को थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं। ये थोड़ी सी पक गई है, तो अब मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्च कटी हुई, ये कम कर दी, ये कड़ी पत्ते हैं, ये है थोड़ी सी हींग। आपके पास है थोड़ी सी हींग तो आप भी डाल देना, इससे क्या गैस नहीं बनेगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये मैं थोड़ी सी हल्दी और व्रत वाला सेंधा नमक, हम सेंधा नमक ही खाते ना उपवास में, वो सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं। आधा छोटी चम्मच मिर्ची इसमें है ऑलरेडी, थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ लाल। और अब मैं इसको आलू को इसमें मैश कर दूंगी, इसे मैश करके अब मैं इसमें डालूंगी ये कटे हुए टमाटर को, 2 मिनट तक थोड़ा अच्छा पकाएंगे। एक छोटी चम्मच इसमें सिंग डालनी है, एक छोटी चम्मच में डाल रही हूँ इसमें शक्कर, और ये आधा नींबू इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये अब बन के रेडी हो गई है, तो मैं निकाल रही हूँ, गैस को ऑफ कर रही हूँ, और मैं निकाल रही हूँ इसको प्लेट में खाने के लिए। प्लेट में थोड़ा सा निकाल देते हैं अभी व्रत के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाना, वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, और ये पास में आप दही के साथ भी खा सकते हो। इसमें दही में थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची डाली है और हरा पुदीना है, वो प्रेस करके मैं थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है, और ये है आलू फ्राई। तो उपवास में बहुत ही अच्छा लगेगा, आप भी बनाना।